हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया C12 फ़ोन है, तो नोकिया C12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं नोकिया C12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नोकिया C12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में जो ऑप्शन आता है कि कैसे आप अपने फ़ोन में और जैसे हमारे पास सेटिंग्स आ गए, तो आपको जाना होगा यहाँ सिस्टम सेटिंग्स पे, सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ से जाना है रीसेट ऑप्शंस पे। तो रीसेट ऑप्शंस पे आकर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जो भी नेटवर्क डाटा नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग्स को, और रीसेट करते ही आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। और आपको सेटिंग्स नहीं मिलती है तो यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। इस तरीके से रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स से आप सर्च कर दो, नेटवर्क सेटिंग्स पे आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से अपने नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं इस ऑप्शन पर टैप करके। यहाँ से आप परफॉर्मेंस सेटिंग्स को भी आप रीसेट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन को रीसेट करना चाहें तो यहाँ से कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।